शिव समेत शिखर तीर्थस्थल को बचाने के लिए मून रैली के रूप में हजारों की संख्या में जैन समाजजन रोड पर उतरे। मून रैली के जरिए सरकारों को चेताया, निर्णय वापस नहीं तो और व्यापक होगा आंदोलन। झारखंड के मधुबन स्थित जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन का समूचा जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। मून रैली के माध्यम से समाजजनों ने सरकारों को चेताया और कहा कि जल्द निर्णय वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक होगा। मालो मार्तंड आचार्य मुक्ति सागर सूरी जी महाराज की अगुवाई में हजारों समाजजन हाथों में तख्तियां व झंडे लेकर चले। छतरी चौक पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। नयापुरा स्थित ओसवाल जैन धर्मशाला में से रैली प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों समाजजन शामिल रहे। पुरुष सफेद वस्त्र व महिलाएं केसरी साड़ी पहने निकली तो बच्चे व युवा हाथों में तख्तियां व झंडे लेकर निकले। शांतिपूर्ण व अहिंसक तरीके से समाजजनों ने तीर्थ को बचाने के लिए अपना विरोध जाहिर किया। श्री समेत शिखर तीर्थ लाखों जैन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है, लेकिन झारखंड सरकार तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को अनुमति देकर उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर जैन समाज आंदोलित है। मून रैली में समाज के अभिमाता गौतम चंद धिक, जयंतीलाल जैन तेलावाला, अभय जैन मामा, दिनेश जैन, अशोक जैन चायवाला, अनिल गंगवाल, सुनील जैन ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर राहुल कटारिया, अनिल जैन कालूहेड़ा, ओम जैन, अभय जैन भैया, संजय जैन मोटर्स, डॉक्टर संजीव जैन MIC मेंबर, रजत मेहता एडवोकेट, संजय नाहर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। पवित्र तीर्थ समय शिखर के लिए की लड़ाई है और ये अहिंसापूर्ण शांतिपूर्ण लड़ाई है। हम जैन बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को जैन समाज दे रही है। मैंने अभी बोला है 125 करोड़ लोग, पूरे देश के 125 करोड़ लोग मिलकर के जितना पैसा नहीं दे रहे हैं उससे ज्यादा हमारा जैन समाज दे रहा है। और फिर भी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसके लिए हमें बोलना है। और इस समय शिखर तीर्थ को हमें पर्यटन स्थल नहीं होने देना है। ये इन सरकार को हम इस बात को समझना पड़ेगी। जैनों की भावनाओं के साथ झारखंड की सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती है, कभी नहीं होने देंगे। बस इसी के लिए आज उज्जैन के सकल जैन समाज की ओर से ये मौन रैली निकाली गई है और हमारे यहाँ से हमने ये पूरे देशव्यापी आंदोलन है। आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है यहाँ के एसटीओ को और हम ये चाहेंगे कि हमारे साथ इस सरकार के द्वारा न्याय होना चाहिए। न्याय के हम भी आग्रही हैं, हम भी न्याय चाहते हैं, हमें भी न्याय मिलना चाहिए। बस जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्री समेत शिखर जी तीर्थ को वहाँ की सरकारों ने पर्यटन स्थल घोषित करने का जो ये प्रयास किया है और जिस तरह से देश में ये काला कानून लाया, इससे पूरे देश का जैन समाज उद्वेलित है, आंदोलित है, आक्रोशित है और पूरे देश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। आज उज्जैन में हजारों जैन समाजजन सड़कों पर उतरे और उन्होंने यही मांग रखी है कि हमारे तीर्थ की पवित्रता, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का वो केंद्र है, वो पवित्र स्थान है, उस स्थान की पवित्रता कायम रहे। सरकार इस तरह का कोई कार्य न करें जिससे कि जैन धर्म की आस्था को ठेस लगे। आज हमारे आचार्य श्री मुक्ति सागर सूर्यजी महाराज साहब ने भी बहुत ही कड़े शब्दों में सरकारों को यहाँ से चेताया है और पूरे प्रदेश देश में जैन समाज सड़कों पर आंदोलित है। 3 से 4 दिन में अगर सरकार इस कानून को, इस नियम को, पर्यटन स्थल घोषित करने के अधिसूचना को, नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है तो जैन समाज आगामी चरणों में और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन सरकारें यह जान लें कि जब समाज की ऊपर कोई बात आ जाती है तो निश्चित रूप से हम ईंट से ईंट बजाने की ताकत भी रखते हैं। समेत शिखर जी जो जैन समाज का सबसे शाश्वत और सबसे मुख्य तीर्थ है, उस तीर्थ स्थान को शासन द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसका भयंकर आक्रोश पूरे सकल जैन समाज में पूरे देश भर के अंदर है। और इसी तारतम्य में हमने कल उज्जैन बंद का आह्वान किया था, भारत बंद का आह्वान किया था और आज सकल उज्जैन जैन संघ के आह्वान पे
एक विशाल मौन रैली नयापुरा से प्रारंभ हुई है, जो इस विरोध को दर्ज करने के लिए आई है कि जो शासन ने निर्णय हमारे शाश्वत तीर्थ पे अहिंसक समाज के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली समाज जैन समाज है, उस समाज के तीर्थ पे जो कुठाराघात किया है, ये समाज की आत्मा पे वार है और जैन समाज इसको किसी भी स्थिति में सहन करने को तैयार नहीं है। आज हमने मौन जुलूस के माध्यम से ये संदेश दिया है शासन को कि वो शाश्वत हमारे तीर्थ को पुनः उसकी पवित्रता को अक्षुण बनाए रखने के लिए उसको जैन तीर्थ के रूप में घोषित करें, अन्यथा आने वाले समय में ये मौन रैली विराट रूप लेगी और जैन समाज सड़कों पे उतर के शासन का पुरजोर विरोध करेगा। सम्मेलन शिखर तीर्थ जैन समाज की आत्मा है, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, उसके साथ कोई समझौता जैन समाज कभी होने नहीं देगा। इसीलिए हमने आज जैन जयती मैं अश्विन मेहता उज्जैन जैन समाज से कार्यकर्ता